तुम नहीं गए तो पुलिस तुम्हें कैंपस से बाहर कर देगी। पुलिस? पुलिस आज तक अपन को अंदर नहीं कर सकी तो बाहर कैसे करेगी? HDR ब्रांड इफेक्ट CC। दोस्तों, इस तरीके की वीडियोस को एडिट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एलाइट मोशन ऐप की। तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने फोन में इस एलाइट मोशन ऐप को एक बार ओपन कर लेना है। जैसे ही एलाइट मोशन ऐप ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको प्लस का निशान दिख रहा होगा, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको 9:16 सेलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको इस प्लस के निशान पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से पर मीडिया पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, आपकी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आप इस तरीके का इफेक्ट अप्लाई करने वाले हो, तो वो वाला वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, मेरा भी ये वाला वीडियो सेलेक्ट हो चुका है, इस पर वो अभी वो वाला इफेक्ट अप्लाई नहीं है, तो हम ये वाला इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो के लेयर पर एक बार क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपको इस इफेक्ट के ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको नीचे कर देना है। दोस्तों, नीचे करते ही सबसे आखिरी में आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली से इस ऑर्डर्स के ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और दोस्तों, यहाँ से सेकंड वाला इफेक्ट जो है RGB वाला, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ से आपको तीसरे नंबर पर B वाला इफेक्ट दिख रहा होगा, दोस्तों इस B वाले इफेक्ट से यहाँ पर G कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपको एक बार बैक कर देना है और उसके बाद फिर से आपको एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और ऊपर सर्च बार में जाकर आपको SAT सर्च कर लेना है। दोस्तों, जैसे आप SAT सर्च करोगे तो आपको ऊपर दिख रहा होगा सैचुरेशन वाइब्रेंस। दोस्तों, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से सैचुरेशन वाइब्रेंस पर क्लिक कर देना है और दोस्तों, ऊपर में सैचुरेशन है, इसको बढ़ाकर आपको +20% रख लेना है। और उसके बाद नीचे वाइब्रेंस पर चले आते हैं, इसको आपको ज्यादा नहीं बढ़ाना है, 1.10 ही रख लेना है और उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। और दोस्तों, उसके बाद आपको स्क्रीन पर टैप कर लेना है और यहाँ से इस प्लस के निशान पर एक बार क्लिक कर देना है और दोस्तों, ये वाला एक शेप सेलेक्ट कर लेना है और इस शेप को पूरे फुल स्क्रीन में कर लेना है और यहाँ से इसकी कलर एंड फिल पर क्लिक करना है। और दोस्तों, यहाँ से आपको ये पिंक कलर दिख रहा होगा, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये कलर हो जाएगा, उसके बाद आपको बैक कर देना है और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और थोड़ा सा नीचे करोगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस डिफरेंस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से तीसरे नंबर पर सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है और यहाँ से आपको इफेक्ट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ से इसकी एड इफेक्ट पर क्लिक करना है और ऊपर सर्च बार में जाकर आपको कॉपी सर्च करना है। दोस्तों, जैसे ही आप कॉपी सर्च करोगे, ऊपर फर्स्ट में ही आपको दिखेगा कॉपी बैकग्राउंड वाला इफेक्ट। दोस्तों, इस कॉपी बैकग्राउंड वाले इफेक्ट पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों, फिर से आपको बैक और फिर से यहाँ से इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, फिर से आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और ऊपर सर्च बार में जाकर आपको जी सर्च करना है। दोस्तों, जैसे आप जी सर्च करोगे, आपको फर्स्ट में ही दिखेगा गॉसियन ब्लर वाला इफेक्ट। दोस्तों, इस गॉसियन ब्लर वाले इफेक्ट पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और दोस्तों, इसकी यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है और फिर से आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको सर्च करना है EX। दोस्तों, जैसे आप EX सर्च करोगे ऊपर, तो आपको एक्सपोजर एंड गामा दिख रहा होगा। दोस्तों, इस एक्सपोजर गामा पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ तक आने के बाद दोस्तों, यहाँ से इस गॉसियन ब्लर वाले जो आप इफेक्ट को सेलेक्ट किए थे, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और दोस्तों, इसको बढ़ा लेना है, इसको रख लेना है लगभग 0.440 के आसपास रख लेना है। दोस्तों, इतना ही रखना है और उसके बाद यहाँ से आपको एक बार बैक कर देना है और उसके बाद आपको एक्सपोजर एंड गामा पर चले जाना है। दोस्तों, एक्सपोजर एंड गामा पर जाने के बाद आपको सबसे पहले उस एक्सपोजर को दोस्तों -0.20 रख लेना है और उसके बाद चलते हैं गामा पर। दोस्तों, गामा को आपको कम कर लेना है, इसको लगभग 0.900 के आसपास रख लेना है, बस इतना ही रखना है। और उसके बाद चलते हैं ऑफसेट पर। दोस्तों, नीचे ऑफसेट का ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, -0.10 रख लेना है और उसके बाद यहाँ से आपको एक बार बैक कर देना है। और दोस्तों, उसके बाद आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर लेना है और फिर से इस प्लस के निशान पर एक बार क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ये वाला एक शेप सेलेक्ट कर लेना है और इसको फिर फुल स्क्रीन में कर लेना है। दोस्तों, फुल स्क्रीन होने के बाद यहाँ से आपको कलर एंड फिल पर एक बार क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से सफेद कलर का कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है। और दोस्तों, उसके बाद आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे करना है, यहाँ कॉन्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको ओवरले कर देना है। और दोस्तों, उसके बाद यहाँ से आपको बैक कर देना है। दोस्तों, ये वाला इफेक्ट जो है अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये पूरे वीडियो में अप्लाई नहीं हुआ है, अभी थोड़ा दूर तक ही अप्लाई हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इस वाली लेयर पर हम लोग क्लिक करके इसको टैप कर लेंगे, इस दोनों इफेक्ट को।
और उसके बाद आपको वीडियो के सबसे अंत में चले जाना है। वीडियो के सबसे अंत में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है दोस्तों। इससे हमारी वीडियो पर पूरा वीडियो पर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके की वीडियोस आप बनाते हो तो आपका भी वीडियो ट्रेंडिंग में जा सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को एक लाइक कर दे।